Indian cricket captain Virat Kohli, who turns 31 on November 5, started his cricket journey from the age of 9 years at the West Delhi Cricket Academy under the wings of Rajkumar Sharma. We speak to Kohli's childhood coach to talk about his journey and some of the unknown facts about the Indian captain. बहुत बार ये बात बताई जा चुकी है और मेरे ख्याल से मैं कई सौ इंटरव्यू में बता चुका हूँ ये बात कि विराट और उसके ब्रदर को लेकर उसके फादर आए थे व्हेन ही वाज 9 ईयर ओल्ड एंड वो हमारा पहला दिन था जिस दिन हमने वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी लॉन्च की थी और ही वाज अमंग द फर्स्ट 250 बॉयज who got registered that day. So he was among them and I mean from that day onwards he is with us. And sir, in 2 weeks or 3 weeks we could make out that this boy is something better than others and you know he's something different from other guys and because he was very hungry, very eager, very good student of the game. And he had tremendous power for his age. तो एक अलग ही लगता था कि ये बच्चा अलग है बाकी से तो वो बहुत जल्दी पता लग गया था देखिए अपने एज ग्रुप में तो वो किसी से आउट ही नहीं होता था और ही ऑलवेज वॉन्टेड कि मैं मुझे बड़ों में खिलाइए मैं उसको डांट के वापस भेजता था कि नहीं आप अपने बराबर वालों में खेलिए फिर वो मेरे पास आ जाता था कि नहीं सर मैं उनके साथ खेलूँगा ये तो मुझे आउट ही नहीं कर सकते और ये मेरे से कम्पीट ही नहीं कर पाते मेरी एज वाले तो मतलब यू कुड मेक आउट कि फिर मैंने व्हेन आई शिफ्टेड हिम टू द सीनियर ग्रुप जैसे ही वॉज नॉट इवन 10 और मैंने इसको अंडर 14 में डाला तो वो बच्चे इसके कंपैरिजन में काफ़ी बड़े थे बट ही वॉज गिविंग देम वेरी गुड कॉम्पिटिशन तो दैट वे यू कुड मेक आउट कि इज़ अ डिफरेंट गाय मुझे याद है हम लोग ग्राउंड पर ही थे और इनको कॉल आया बीसीसीआई से कि आप सेलेक्ट हो गए हैं तो ही वाज वेरी एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड एंड मतलब ही हग्ड मी एंड यू नो गॉट इमोशनल आल्सो तो दैट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर अस बिकॉज ही वाज द फर्स्ट स्टूडेंट फ्रॉम आवर एकेडमी टू रिप्रेजेंट इंडिया एंड इट वाज अ बिग थिंग टू बी प्लेइंग फॉर इंडियन टीम अक्सर हम बात ज़रूर करते हैं कोई भी बड़ी सीरीज़ हो कोई भी बड़ा मैच हो उससे पहले या उसके बाद हम लोग इंटरेक्ट ज़रूर करते हैं और थोड़ा स्ट्रेटजी भी डिस्कस करते हैं कि कैसे होना चाहिए क्या होना चाहिए फॉर्चुनेटली अब वो बहुत समझदार है बहुत इंटेलिजेंट है तो उसको बहुत ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता है कि क्या करना है या कैसे होना चाहिए लेकिन हाँ हम आपस में बात ज़रूर करते हैं देखिए वो एक ज़रूर डिज़ास्टर वाली सीरीज़ थी उसमें एंडरसन को मैं ज़्यादा क्रेडिट दूंगा विराट की असफलता से ज़्यादा मैं क्रेडिट एंडरसन की गेंदबाजी को दूंगा कि उसने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की उस गेंदबाजी पर कोई भी आउट हो सकता था बट यस इट वाज अ फेलियर बट इट वाज अ वेरी गुड लर्निंग फॉर विराट और यहाँ से उसने बहुत कुछ सीखा कि मुझे आगे क्या करना है थोड़ा सा हमने टेक्निकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स थे वो उसके बाद डिस्कस किए हम लोगों ने और कोशिश की उन्हें दूर करने की और कुल मिला के उसके बाद एक डिटर्मिनेशन ज़्यादा उसने किया कि नहीं आई हैव टू प्रूव द पीपल रॉन्ग दैट एक मेरी सीरीज़ ख़राब हो गई बट इट शुड नॉट बी रिपीटेड एंड इट विल नॉट हैपन अगेन देखिए बहुत एग्रेसिव कप्तान हैं वो बहुत पॉजिटिव भी हैं अपने कप्तानी को लेकर मतलब वो जीतने के लिए खेलते हैं ऐसा नहीं है कि वो उन्हें हारने का डर नहीं है उन्हें जीत चाहिए तो उस चीज़ के लिए ही गो टू द एनी एक्सटेंड यू नो जैसे ही स्टार्टेड द थिंग कि मुझे 5 बॉलर्स खिलाने हैं तो मुझे 20 विकेटें लेनी है किसी भी तरह मुझे 5 बॉलर भले ही खिलाने पड़े एक बैट्समैन शॉर्ट होगा तो और ज़्यादा जिम्मेदारी लेंगे मेरे बल्लेबाज तो इस तरह के कुछ बोल्ड डिसीजंस विराट ने लिए हैं जिसकी वजह से ही भारतीय टीम अगर आप देखें पिछले 2-3 साल में सबसे कंसिस्टेंट टीम है और बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा है उनका भारत में भी और भारत से बाहर भी देखिए वो बिलीव करते हैं कि अगर मुझे कोई यंगस्टर अच्छा लग रहा है तो मुझे उसे बैक करना चाहिए और बैक करते हैं तो फिर उसको ही वॉन्ट्स टू गिव देम अ लॉन्ग रोप यू नो कि ऐसा नहीं कि 1-2 मैच खिला के किसी भी प्लेयर को बाहर कर दिया जाए ऐसा वो नहीं होने देता है और बैक करता है अपने प्लेयर्स को
तो ये एक अच्छी बात है, इसीलिए यंगस्टर्स काफ़ी मतलब कोई प्रेशर नहीं होता यंगस्टर्स के ऊपर, और काफ़ी रिलैक्स ड्रेसिंग रूम है और सब लोग एंजॉय करते हैं और एक दूसरे के लिए खुश होते हैं। दोनों ही चीज़ें मेरे ख्याल से कंट्रीब्यूट करेंगे, एंड प्लस इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि इसमें एज का भी बड़ा वो है, विद द एज ही इज़ मैच्योर्ड, यू नो, एंड फिर उनके बाद फॉर्चुनेटली उनको एक बहुत अच्छी वाइफ मिली है जो उनको बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती हैं, तो वो एक अच्छा चेंज आया उनकी लाइफ में। और कप्तानी आने के बाद बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आई, ही स्टार्टेड फीलिंग कि मैं 130 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वो आई हैव टू मूव लाइक दैट ओनली, तो ही नोज ऑल दीज थिंग्स, तो इसी करके वो काफ़ी मैच्योर हो गए हैं। वेल 183 अगेंस्ट पाकिस्तान, दैट वॉज ब्रिलियंट, एंड एडिलेड में जो 100 किया था वो भी बहुत शानदार था। फिटनेस भी इसमें एक रोल है फिटनेस का भी, और उसको उसने मतलब वेजिटेरियन जब हुए तो वो ये उसने बोला कि मैं ये मिथ हटाना चाहता हूँ कि खाली नॉन वेजिटेरियंस स्ट्रांग होते हैं, और वो शायद प्रूव भी करना चाहता था ये पॉइंट, और अच्छा है कि अब थोड़ा सा वो वेजिटेरियन की तरफ गए हैं, पॉजिटिव वाइब्स अब ज़्यादा हैं, वो थोड़ी नेगेटिविटी जो होती है वो भी ख़त्म हो गई है, तो बहुत अच्छी बात है कि वो वेजिटेरियन हो गए हैं।